कैसे हैं आप लोग? मेरे को पता है बहुत टाइम से मेरी एक भी वीडियो नहीं आई है, बट आई गारंटी अब रेगुलर वीडियोस आएगी। तो आज मैंने सोचा बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ हेल्दी बनाते हैं और कुछ ऐसी बनाते हैं जो ठंडी में ना मंचिंग करने का बहुत मन करता है, तो हेल्दी भी हो और मंच भी हो सके और मजा आता है, ठीक है। और मैंने ये चीज भी नोट करी कि बाहर पैकेट में ये चीज आजकल बहुत मिलने लग गई है, तो मैंने कहा घर पे जब जो चीज बना सकते हैं तो पैकेट वाली क्यों खाएं, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं मखाने, रोस्टेड मखाने। तो उसके हमको क्या क्या चीजें चाहिए, हमको चाहिए मखाने, ये मैंने 250 ग्राम मखाने लिए हैं। इसके अंदर मैं अलग अलग तरीके ड्राई फ्रूट डालूंगा, आपके जो भी ड्राई फ्रूट घर में पड़े आप वो ले सकते हैं। ये मैंने चने लिए, देखो आप इसके छिलके भी उतार सकते हो, मैं नहीं उतारे क्योंकि इसकी क्रिस्पीनेस अच्छी लगती है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है उसके अंदर, तो अच्छी लगते हैं। आमंड लिए हैं मैंने, ये मैंने पीनट्स लिए, ये पीनट्स कच्चे वाले पीनट्स हैं, पके हुए पीनट्स नहीं है। घी लिया है, नमक लिया है, ठीक है, सिंपल। चलिए ये मैंने लिया है घी, देखो घी आप उसके हिसाब से लीजिए जितने आपके मखाने हैं, जितना आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 1.5 चम्मच घी ले लिया है, देखो जितना घी होगा उससे अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स या जो भी आप कह सकते हैं पीनट जितने भी लिए हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिसको जो लेना है। आप इसमें काजू ले सकते हैं, आप इसमें अखरोट ले सकते हैं, आप इसमें कैशूज ले सकते हैं, आप इसके अंदर पिस्ता ले सकते हैं, जो आपके घर में है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये जो मैंने लिए वही लेने हैं। सबसे पहले मैंने डाले पीनट्स, जो मेरा घी है ज़्यादा गर्म नहीं है, मैं तभी डाल दिए क्योंकि हल्के हल्के रोस्ट होने शुरू हो जाएंगे साथ में। देखो तीन चीज़ें डाली है मैंने, कितना कितना डाला है, 3 चम्मच 3 चम्मच 3 चम्मच 3 चम्मच, ये बड़ी वाली 3 चम्मच, आप अपने हिसाब से रेशियो चेंज कर सकते हैं। ये हल्के हल्के रोस्ट करने हैं, मेक श्योर मैं ये घर पे रेगुलर बेस पे बनाता हूँ, मेरी मम्मी के फेवरेट है ये, और मैं रेगुलर बेस पे बनाता हूँ डिमांड पे, क्योंकि मम्मी स्कूल भी लेके जाती है अपनी अपनी मम्मी फ्रेंड्स को भी खिलाती है, तो मैं उससे बहुत बार हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, हल्का से इसको रोस्ट करना शुरू करता हूँ, स्टार्टिंग में जब होता था रोस्ट करता तो मैं थोड़ा सा ओवर कर देता था, होता क्या था जब आप उसके बाद मखाने डालते हो वो और ओवर हो जाता, जल जाते थे। तो मेक श्योर इसको जब आप अप्रॉक्सीमेटली 50% हो जाए रोस्ट तभी आप रोक दो, तभी आप मखाने डाल दो, आप इसको 50% रोस्ट होने दो, उसके बाद मखाने डाल दीजिए। देखिए ये हमारे 50% रोस्ट हो चुके हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोस्ट हो गया है, देखिए तो ये बादाम जैसे हैं, अगर आपको ऐसे दिख रहा है बादाम, देखिए ये क्रैक होना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का, ठीक है, और पीनट्स पॉप करने लग जाएंगे, तब उस टाइम पे हमने क्या करना है, नमक डालना है स्वाद अनुसार जितना आपको चाहिए। फिर मैं डाल रहा हूँ 2 इंच नमक, और ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। आप इसमें कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं, आपको पेरी पेरी फ्लेवर डालना है पेरी पेरी फ्लेवर डाल सकते हैं, पेरी पेरी का बाहर मसाला आता है वो डाल सकते हैं, आपको उसके अंदर मैजिक मसाला डालना है आप वो डाल सकते हैं, आपको उसके अंदर चाट मसाला डालना है आप चाट मसाला डाल सकते हैं। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 200-250 ग्राम्स ऑफ मखाने लिए हैं। अब इसको क्या करना है, देखो मैंने गैस कर दी सिम, अभी हल्का हल्का रोस्ट करना है, क्योंकि होगा क्या आपके जो पीनट्स जितने भी एलिमेंट है वो नीचे रहेंगे क्योंकि हैवी होते हैं और मखाने लाइट होते हैं तो ऊपर ही रहेंगे, तो आपको इसको कॉन्टीन्यूसली चलाना है, आपका ये होना चाहिए बस, मेक श्योर आपको कॉन्टीन्यूसली चलाना है, रुकना नहीं है वरना जल जाएगा, मखाने नहीं जलेंगे पीनट जल जाएंगे, आपके आलमेट जल जाएंगे। हमारे मखाने हो गए हैं रेडी, और एक और चीज़ बताऊँगा मैं आपको, दो तरीके को चेक करने के, पहला तो जितना आपने घी डाला ना सारा सूख जाएगा, जितना भी मखाने सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे घी को, और ये रखना एलमंड्स पीनट्स और जो भी आपके चने हैं वो कभी भी ना ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते, वो अपना नेचुरल ऑयल छोड़ते हैं, तो वो छोड़ेंगे तो मखाने सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखिए आप जितना तरीका ये होता है, एक मखाना उठाया ऐसे क्रंच किया, तो क्रंच की आवाज़ आ गई, जैसे क्रंच की आवाज़ आ गई दैट मीन्स इट इज रेडी, मखाने हमारे डन हो चुके हैं। अब मखानों को हम स्टोर करेंगे, देखिए मैं तो अभी इसमें डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा ठंडे हो जाए, जब ये ठंडे हो जाए आप एक बड़े से कंटेनर में जितनी भी आप क्वांटिटी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप कंटेनर में डाल दीजिए, और ये आपके अप्रॉक्सीमेटली महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, आप आराम से इसको खा सकते हैं महीने भर तक, स्टोर करो
जब मन करे स्नैक करो, चाय के साथ, कॉफी के साथ, जूस के साथ, नॉर्मली ऐसे मंच करना है तो करिए, एंजॉय। खाने रेडी है, स्टोर करो, एंजॉय करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट मी नो व्हाट यू वांट टू हैव नेक्स्ट।